हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपडेट्स फ्रॉम प्रगति में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ विशाखापट्टनम से 100 किलोमीटर की दूरी पर है लंबासिंगी, उसके बाद वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है स्ट्रॉबेरी फार्म, और वहीं से 25 किलोमीटर की दूरी पर है कोत्तापल्ली वाटरफॉल। जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये उन्हीं तीनों जगह की पिक्चर्स हैं। लंबासिंगी को कश्मीर ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। विशाखापट्टनम से लंबासिंगी जाने के लिए हमने गाड़ी बुक की थी जो कि 9 सीटर थी, और उसका जो चार्जेस था अराउंड 6000 था। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और हम लोग अभी अपने घर से निकल चुके हैं। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं लंबासिंगी। बेसिकली लंबासिंगी जो भी टूरिस्ट आते हैं विशाखापट्टनम से या फिर आसपास के एरिए से, वो यहाँ पर फॉग देखने के लिए, और कभी कभी यहाँ पर दिसंबर में और जनवरी में स्नोफॉल भी होता है तो वही देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर फॉग देखने के लिए आते हैं, जबकि जो नॉर्थ साइड के लोग हैं फॉग उनके लिए इतना स्पेशल चीज़ नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में काफ़ी ठंडा होता है तो ऑलरेडी फॉग उनको देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल जगह है ये। तो अभी हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, और हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग 6 o'clock। हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, अराउंड 3 hours हम लोगों को यहाँ पर लगे थे पहुँचने में। और ट्रैकिंग जो हम कर रहे हैं लगभग ये 2 से 2.5 kilometers की ट्रैकिंग है, जो कि काफ़ी चढ़ाई पर जाकर ऊपर एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है पहाड़ी पर, जहाँ से आपको काफ़ी फॉग देखने के लिए मिलती है। तो स्पेशली लोग उसी को देखने के लिए ऊपर जाते हैं, तो हम लोग भी वही देखने के लिए जा रहे हैं, जबकि फॉग हम लोगों को काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलती है क्योंकि हम नॉर्थ साइड के हैं। विशाखापट्टनम में तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता है, जबकि जब हम इधर आए थे तो अपने स्वेटर्स जैकेट्स लेकर आए थे, और इधर वाकई में काफ़ी ठंडा था और ट्रैकिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। और हम लोग जो फॉग देखने के लिए ऊपर जा रहे थे तो हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। ऊपर जब तक हम लोग पहुँचे थे लगभग 8 o'clock हो चुका था, और फॉग के लिए आपको अराउंड 6 o'clock तक ऊपर पहुंचना होता है। जो थोड़ी थोड़ी फॉग है बीच बीच में हम लोगों को देखने के लिए मिल रही, बट ट्रैकिंग में हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया है। और हम लोग अपने घर से ब्रेकफास्ट बना के लाए थे, वही ऊपर व्यू पॉइंट पे जाकर हमने ब्रेकफास्ट किया था। आप लोग भी अगर लंबासिंगी घूमने के लिए आएँ तो कोशिश कीजिए अपने घर से ब्रेकफास्ट या कुछ स्नैक्स वगैरह बना कर लेके आएँ, क्योंकि ऊपर जाके बहुत कुछ खाने पीने के लिए आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं लाएंगे तो आपको बिल्कुल कुछ ऊपर मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और ऑमलेट वगैरह ऊपर मिल रहा था। जो लोग लंबासिंगी घूमने के लिए आते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर 1 night का स्टे भी करते हैं, उसके लिए आपको टेंट अवेलेबल है और रूम्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर व्यू पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पर धूप निकल चुकी है तो फॉग अभी देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ट्रैकिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी फार्म पर, जहाँ पर आपको मैं स्ट्रॉबेरी गार्डन दिखाऊंगी। अगर आपको 1 night स्टे नहीं करना है और आपको एक ही दिन में तीनों जगह कवर करनी है, तो उसके लिए आपको मॉर्निंग में 3 o'clock निकलना होगा, तो आप तीनों जगह ईजिली कवर कर पाएंगे। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं स्ट्रॉबेरी फार्म पर, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए कि स्ट्रॉबेरी एक्चुअली में कैसे उगाई जाती हैं। तो चलिए आइए मैं आपको अब स्ट्रॉबेरी गार्डन में लेके चलती हूँ। और यहाँ पर फ्रेश स्ट्रॉबेरी के बॉक्सेस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो अराउंड उसका प्राइस होता है 100-150 में, तो आप यहाँ से फ्रेश स्ट्रॉबेरी परचेज़ करके लेकर जा सकते हैं। और यहाँ स्ट्रॉबेरी गार्डन के पास भी आपको टेंट्स और रूम्स अवेलेबल होते हैं अगर आप यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहेंगे। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का एक गार्डन नहीं बल्कि कई गार्डन हैं, आप चाहें तो सभी गार्डन्स में विज़िट कर सकते हैं।
स्ट्रॉबेरी फार्म की स्ट्रॉबेरीज इंजॉय करने के बाद तो अब हम लोग निकल चुके हैं कोतापल्ली वाटरफॉल के लिए। फाइनली अब हम आ चुके हैं कोतापल्ली वाटरफॉल में। गाड़ी का जो पार्किंग एरिया है वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही वहाँ पर जो गेट है कोतापल्ली वाटरफॉल का, जहाँ पर आपको टिकट मिलेंगे, तो वहाँ पर पहुँच कर मैं आपको एंट्री गेट दिखाऊँगी। यहाँ की जो फेमस चीज़ है उसके बारे में मैं आपको तब तक बता देती हूँ जब तक हम एंट्री गेट तक पहुँचते हैं। यहाँ पर बैम्बू चिकन काफ़ी फेमस है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक बैम्बू के अंदर वो चिकन डालकर कुछ पकाया जाता है, तो इसीलिए वो यहाँ का बैम्बू चिकन फेमस है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बिल्कुल उसको ट्राई कर सकते हैं। जो आगे आप दोनों बच्चे देख रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे सुपर डुपर एक्साइटेड हैं वाटरफॉल में नहाने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं एंट्री गेट पर। एंट्री गेट पर पहुंचने के आसपास ही आपको कुछ ये हट्स दिखाई देंगी और कुछ शॉप दिखाई देंगी जिसमें कि आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। आइसक्रीम स्टॉल वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी खाने पीने की चीज़ों की, यहाँ अवेलेबल हैं। तो अभी आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कोतापल्ली वाटरफॉल, तो यही यहाँ का एंट्री गेट है। और यहाँ पर आपको टिकट लेनी होती है, अराउंड 10 रुपीज़ की टिकट होती है पर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो टिकट लेने के बाद अंदर आप एंट्री कर सकते हैं, जो कि हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ से बीच बीच में मैं आपको वाटरफॉल दिखाती हुई जाऊँगी, क्योंकि नीचे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं जो कि नीचे उतरने के बाद आपको वहाँ पर वाटरफॉल में इंजॉय करने के लिए मिलेगा। और हम लोग यहाँ पर कोतापल्ली वाटरफॉल में संडे के दिन गए थे, तो काफ़ी रश था यहाँ पर, बहुत भीड़ थी संडे होने की वजह से। अभी बज चुके हैं शाम के 5 और हम लोग अपने घर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि पहुंचने में भी 3 से 4 घंटा लगेगा, क्योंकि अराउंड 125 किलोमीटर है वापस जाते हुए। तो बीच बीच में हम लोग रुकते भी हैं चाय कॉफ़ी के लिए, तो इसलिए हम लोग अभी यहां से निकल चुके हैं। अगर आप विशाखापट्टनम कभी आएँ तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो हम लोगों ने तो काफ़ी इन्जॉय किया है और काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आप घूमने के लिए आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है, और मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर और भी ब्लॉग वीडियोस बनाए हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और वीडियो के एंड में भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।